हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सेकंड वीडियो लेक्चर ऑफ चैप्टर वन इंटरनेट। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास यू हैव आल्सो टॉट अबाउट सम डिफरेंट टॉपिक्स लाइक इंट्रोडक्शंस ऑफ इंटरनेट, डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट, अल्फाबेटिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट इज एक्सेसिंग इंटरनेट एंड यूजेस ऑफ इंटरनेट इन डेली लाइफ एंड हाउ कैन वी यूज इंटरनेट इन डेली लाइफ, कम्युनिकेशन, रिसर्च, बिजनेस, एजुकेशन एंड मेडिसिन। एंड We also discuss about types of internet connections, dial-up connections and leased line connections. So students, यहाँ तक आप लोगों ने आपने पिछले क्लास में पढ़ा था, प्रीवियस क्लास में। अब चलते हैं हम इसके आगे, देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक आज के सेशन में क्या है, ठीक है, और फिर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो नाउ वी विल गो टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। स्टूडेंट, टुडे इज द फर्स्ट टॉपिक इज हाउ द इंटरनेट फंक्शन, मीन्स आपके जो इंटरनेट फंक्शन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हो कि जो भी हमारे डेटा ट्रांसमिट, जब भी हम कोई भी चीज इंटरनेट पे डेटा ट्रांसमिशन करते हैं, वो एक फॉर्मेट की तरह होता है, जो कि एक फॉर्मेट के फॉर्म में ही आपके डेटा ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। या हम कह रहे हैं कि द इंटरनेट इज द डेटा ट्रांसमिशन फॉर्मेट फॉर एवरी वन टू बी एबल टू यूज द इंटरनेट। हर कोई क्या करता है कि इंटरनेट का यूज करता है, ठीक है, और हर कोई इंटरनेट का यूज कर सकता है। एंड इसमें भी आप क्या होते हैं, ऑल कंप्यूटर मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड द डेटा बींग ट्रांसमिटेड फॉर कंप्यूटर टू डू दिस। मीन्स कि इसमें हर जितने भी कंप्यूटर होते हैं, सभी कंप्यूटर्स क्या होते हैं कि हर डेटा को समझते हैं, उन्हें डेटा ट्रांसफर कहाँ करना है, क्या है, वो ये सब अच्छे समझते हैं कि कौन सा डेटा है, क्या है, जो भी आप डेटा ट्रांसफर करना चाहते हो, वो इजी वे में आप डेटा ट्रांसफर इंटरनेट के थ्रू आप कर सकते हो। एंड द डेटा मस्ट बी फॉर्मेटेड अकॉर्डिंग टू द सम प्रोटोकॉल और सेट ऑफ कन्वेंशंस दैट गवर्न द फॉर्मेट ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली। मीन्स क्या मतलब ये है कि आप जो है डेटा भी जो भी आप सेंड करते हो, वो भी एक क्या होता है, एक रूल्स के अकॉर्डिंग फ्लो होता है। मीन्स सेट ऑफ रूल्स आपके होते हैं जिन्हें हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं, उस प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग ही आपके डेटा जो है ट्रांसमिट होते हैं। और ये जो प्रोटोकॉल्स क्रिएट किए जाते हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं, जिससे कि आप एक रूल बनाया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू कि आप जो भी डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो डेटा कहाँ जा रहा है और कौन सेंड कर रहा है, ये सब उनका एक रूल्स होता है, कब किस वे में जा रहा है, कोई इसका मिसयूज तो नहीं कर रहा, ये सब इसके लिए एक रूल बनाया जाता है ताकि कोई इसका मिसयूज ना कर सके, ये जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स बनाए जाते हैं। एंड द प्रोटोकॉल दैट एनेबल्स ऑल कंप्यूटर टू यूज डेटा ट्रांसमिटेड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आप जो भी डेटा सभी कंप्यूटर जो भी डेटा ट्रांसमिट करते हो, ठीक है, वो हमारा TCP/IP कहलाता है। जिस भी नेटवर्क के थ्रू आप डेटा को ट्रांसमिट करते हो इंटरनेट पर, वो आपका TCP/IP कहलाता है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। ये आप जो TCP/IP को 1978 में US डिपार्टमेंट की डिफेंस एजेंसी जो है ARPANET ने डेवलप किया था, उन्होंने जिमलर नेटवर्क को डेवलप किया और उस वहां से तभी से स्टार्टिंग हो गया। TCP/IP में आपको एक एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है, उस एड्रेस के थ्रू ही आपका जो है जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि जब आप कोई भी नेटवर्क पे जो भी आप डेटा ट्रांसफर करते हो, वो आपका TCP/IP के थ्रू ही आपका डेटा ट्रांसमिट होता है। TCP/IP के थ्रू ही आपका डेटा ट्रांसमिट होता है। TCP/IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आपकी एक प्रोटोकॉल होती है जिसे कि आपके डिफेंस एजेंसी ने आपकी 1969 में डेवलप किया था इसे, बट आपकी बुक में दिया हुआ है 1978, जिसकी उस ईयर में आपकी अमेरिका की मीन्स US की डिफेंस एजेंसी थी और उस नेटवर्क में इन्होंने TCP/IP को जनरेट किया, इस नेटवर्क को, जिसका नाम दिया गया था ARPANET, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आप डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट के बारे में आपको बताया रहे थे हम।
ठीक है। और इसमें भी बताते हैं जो टीसीपी आईपी होती है, इस टीसीपी आईपी आपको एक एड्रेस जनरेट करता है जिसे हम आईपी एड्रेस के नाम से जानते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इस नाम से हम जानते हैं, इसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक नंबर्स होते हैं जो कि मतलब जो भी ये एड्रेस क्या होता है, एक न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, नंबर्स के फॉर्म में होता है, जो कि आपके 3 डॉट से सेपरेट होते हैं, ठीक है। और जो इसकी रेंज होती है, इसमें आईपी एड्रेस की जो नंबर्स की रेंज होती है वो 0 से 255 की रेंज में होते हैं। इसे हम लिखते कैसे हैं, मान ली सपोज हम कोई नंबर ले रहे हैं 190.26.30.5, ये आपके 3 डॉट्स क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, एंड 4 आपके नंबर न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं, और जो कि 3 डॉट्स है आपके सेपरेट होते हैं। ये आपके एक एड्रेस शो करता है पर्टिकुलर, हर एक आप चाहे कोई भी वेबसाइट यूज करिए या आप कोई भी डिवाइस यूज कर रहे हो जिसमें आप जिसके थ्रू आप डेटा सेंड कर रहे हो, जब आप डेटा सेंड करते हो तो ये इसी एड्रेस के थ्रू, इसी आईपी एड्रेस के थ्रू ही आपकी जो डेटा है वो सेंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं आपके डेली लाइफ में, अगर कोई आप मैसेज भी, अगर आप लेटर भी पोस्ट करते हो, किसी को अगर आप मैसेज भी देना चाहते हो, जो पहले टाइम पे होता था पेपर वर्क पे होता था, तो अगर आप लेटर ही पोस्ट करते हो तो आप लेटर पे क्या करते हो कि आप एक एड्रेस शो करते हो, उस एड्रेस जब शो करते हो आप उसी एड्रेस के अकॉर्डिंग ही वो आपका वहां पर लेटर जाता था, और तभी जिनको भी आपने सेंड किया जिनके नाम पे उनको उस एड्रेस पे वो लेटर रिसीव होता था। तो सेम काम यहाँ पर भी होता है कि आप एक एड्रेस वो जनरेट करता है आपका, और उसी एड्रेस के थ्रू ही वो क्या होता है आपका लेटर पोस्ट होता है, या जो भी मैसेज आप दे रहे हो, फाइल ट्रांसफर कर रहे हो, वो सब इसी प्रोसेसिंग के थ्रू होती है, इस आईपी एड्रेस के थ्रू। इसमें कुछ टॉपिक्स जो प्रोसीजर है, एट द सेंडर कंप्यूटर द इंफॉर्मेशन इज डिवाइडेड इनटू पैकेट्स ऑफ इक्वल लेंथ। मींस कहने वाला ये है कि जो अब आप आईपी जब एड्रेस में होता है, जब आप कोई भी फाइल भेजते हो वो क्या करता है, अगर कोई बहुत बड़ी फाइल होती है तो उनको एक फॉर्म मींस एक जो इक्वल साइज मींस पैकेट के फॉर्म में डिवाइड कर लेता है, मींस सबको इक्वल साइज में कर लेता है, जिससे कि जो भी डेटा ट्रांसमिट होता है वो बहुत ही तेजी के साथ डेटा ट्रांसमिट हो, और डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए जैसे ही उसे पैकेट में डिवाइड करता है, कई सारे पैकेट में मींस छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेता है, तो और फिर उसके बाद बेस्ट रूट शो करता है, मतलब बेस्ट रूट फाइंड करता है कि उसके लिए जहां भी डेटा ट्रांसमिट होना है उसका बेस्ट रूट है क्या, कि हम कितनी स्पीड के साथ डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, उसको फाइंड करने के बाद ही फिर आपकी जो डेटा होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं, और उसके उसी रूट से जो भी उसको तय होता है मीन जिस रूट से उसे जाना होता है उसी रूट से वो ट्रांसफर होता है आपका, और उसने स्पीड से जाता है। फिर अब हम बात करेंगे, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इंटरनेट फंक्शन कैसे क्या होता है, उसमें कैसे हम जो भी ट्रांसफर यूज कर, जो भी हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं वो किस फॉर्म में होके जाता है। क्लियर, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं नाउ वी विल गो टू माय नेक्स्ट टॉपिक, कॉमन इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज। अब देखते हैं इसमें कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज है इंटरनेट जिसके थ्रू आप यूज करते हो, जो कि आपको ये टीसीपी आईपी को फॉलो करता है। WWW मींस वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब इज हैज चेंज द पिक्चर ऑफ इंटरनेट आफ्टर इट्स क्रिएशन इन 1989 बाय टिम बर्नर्स-ली। मींस आपके वर्ल्ड वाइड वेब जो डेवलप किया था, क्रिएट किया गया था, वो आपके टिम बर्नर्स-ली के थ्रू 1989 में डेवलप किया गया था। इसमें आपके जो भी है जो भी इंटरनेट के जो पिक्चर्स होते थे आप चेंज कर सकते थे इसमें आप, एंड इंटरनेट वॉज यूज टू शेयर टेक्सुअल इंफॉर्मेशन ओनली। जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब में क्या होता था कि जो भी आपके जो टेक्सुअल इंफॉर्मेशन थी केवल आप उसी को ही शेयर कर सकते थे। इसमें आपकी अलग से कोई भी चीजें, मतलब जैसे अगर आप इसमें कोई एनिमेशन नहीं दे सकते थे, ना ही कोई आप लिंक अटैच कर सकते थे, और ना ही कोई ग्राफिक ऐड कर सकते थे, मीन्स इस सब में इस ठीक है, ये सब आपके फीचर इसमें आप ऐड नहीं कर सकते, सिर्फ एक टेक्स्ट के फॉर्म में ही आपके फीचर्स होते थे इसमें वर्ल्ड वाइड वेब में। And all credit goes to a World Wide Web, which provides an easy and effective way of storing and accessing information on the internet. Means, yeah, जो सब प्रोडक्ट किसके हो जाता है आपको वर्ल्ड वाइड वेब को जाता है, जो कि आपको एक बेस्ट एक्टिव मतलब की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी वेब पेज से कनेक्ट हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एज द नेम इंडिकेट द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ ग्लोबली
In connected networks, the web has many things to offer, but the most fascinating among them are the web pages that incorporate text, graphics, sound, animation and various other multimedia features. Means आपको ये एक ऐसा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसमें कि आप वेब पेजेस में आप जो भी डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस होते हैं उसमें आप अपने ग्राफिक्स साउंड वीडियोस एनिमेशंस और अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो। फिर अब चलेंगे हम नेक्स्ट वेब पेजेस में। वेब पेजेस क्या होता है स्टूडेंट? वेब पेजेस एन इंटरैक्टिव डॉक्यूमेंट ऑन द वेब। मीन्स वेब पर आपका एक इंटरैक्टिव डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो कि आपका क्या होता है, विच कैन डिस्प्ले रिटेन टेक्स्ट ग्राफिक साउंड एनिमेशन एक्सेट्रा। मीन्स जो कि आपके किससे क्रिएट होता है, आपके डिफरेंट डिफरेंट वेब पेज जो कि पेजेस होता है, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, इमेजेस, एनिमेशन, साउंड एक्सेट्रा, मीन्स इन सब चीजों से आप मल्टीमीडिया एलिमेंट से मीन्स आपके क्रिएट किए जाते हैं आपके वेब पेजेस। दीज ऑल्सो वेब पेजेस आर बिल्ट यूजिंग द मार्कअप लैंग्वेज कॉल्ड एचटीएमएल। जो आप वेब पेजेस क्रिएट भी करते हो ये क्या करता है, एक मार्कअप लैंग्वेज का यूज करता है, और वो मार्कअप लैंग्वेज क्या है, आपकी एचटीएमएल लैंग्वेज जिसके थ्रू हम वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को वर्ल्ड वाइड वेब एंड वेब पेजेस समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम वेबसाइट की बात करते हैं। तो वेबसाइट क्या होता है आपका? वेबसाइट इज अ रिलेटेड कलेक्शन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब फाइल्स दैट इंक्लूड्स अ बिगनिंग फाइल्स कॉल्ड अ होम पेज। मीन्स आपके वेब पेजेस, वेबसाइट क्या होता है, आपके वेब पेजेस या फिर आप कह सकते हो वर्ल्ड वाइड वेब का कलेक्शन होता है जिसमें ढेर सारे वेब पेजेस होते हैं, जो कि कई सारे उनके वेब पेजेस का कलेक्शन ही से भी आपका वेबसाइट क्रिएट होता है। जो अगर जिसमें भी आपका जो फर्स्ट आपका जो भी पेज ओपन होता है वेब पेज, उससे हम क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। कंपनी और इंडिविजुअल टेल्स यू हैव हाउ टू गेट टू दियर वेबसाइट बाय गिविंग यू द एड्रेस ऑफ दियर होम पेज। मीन्स हर एक कंपनी क्या करती है, आप जिस भी वेबसाइट को यूज करते हो वो कंपनी क्या करती है, आपको एक एड्रेस प्रोवाइड करती है। अगर आप कोई भी वेब पेज ओपन करना चाहते हो किसी भी मतलब की वेबसाइट के थ्रू, तो आपको वो कंपनी क्या करेगी, जिस भी कंपनी की अगर आप वेबसाइट जाते हो तो उस वेब पेज का हर एक का अपना एक एड्रेस होता है, कंपनी वो आपको प्रोवाइड करती है, उस एड्रेस के थ्रू ही आप वेब पेज को ओपन कर सकते हो, और जो वो एड्रेस होता है उसी एड्रेस को ही हम वेबसाइट कहते हैं। एक लिंक होता है, एड्रेस होता है, उसी को ही हम वेबसाइट कहते हैं उस लिंक के थ्रू। फ्रॉम द होम पेज यू कैन गेट टू ऑल द अदर पेजेस ऑन दियर साइट। फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट फॉर IBM हैज द होम पेज एड्रेस ऑफ दिस। मीन्स आपके कई एड्रेस को ही शो करता है। ओके, आई होप आप लोगों को वेबसाइट के बारे में समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम इसके आगे देखते हैं इसमें वेबसाइट के सबहेडिंग में टाइप्स ऑफ वेबसाइट। अब चलते हैं इसकी टाइप्स ऑफ वेबसाइट के बारे में जानते हैं। स्टूडेंट्स आपके टू टाइप्स के वेबसाइट होते हैं। फर्स्ट आपका होता है स्टैटिक वेबसाइट एंड थर्ड सेकंड आपका है डायनेमिक वेबसाइट। अगर हम इसमें स्टूडेंट देखते हैं, अगर सिंपल से अगर हम बात करते हैं स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनेमिक वेबसाइट में, स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है, जब आप किसी वेबसाइट को सर्च करते हो तो आप उसकी लिंक देखते हो, लिंक देख करके जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपके सामने एक वेब पेज आता है। जो भी कंपनी के वेबसाइट अगर क्लिक किया, जैसे इंटर किया, आपको तुरंत वेब का वेब पेज आ जाएगा। उस वेब पेज पे हम क्या कोई करेक्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो वेब पेज होता है जिसमें हम कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं या उसमें हम कुछ भी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, वो पेज हमारा स्टैटिक पेज होता है, ठीक है। एंड फिर अगर हम बात करते हैं डायनेमिक पेज की, ये डायनेमिक वेब पेज क्या होता है या वेबसाइट क्या होता है, एक ऐसा वेब पेज एंड वेबसाइट होता है जिसमें कि हम उसमें करेक्शंस कर सकते हैं। हम चाहे जो भी एडिट करना चाहे वो कर सकते हैं, जिसको हम मतलब रिप्लेस करना चाहते हैं वो सब हम काम डायनेमिक वेबसाइट पर हम कर सकते हैं। अगर हमें कोई इमेजेस ऐड करनी है तो वो भी कर सकते हैं, हटानी है तो वो भी हटा सकते हैं, अपने जो भी मॉडिफिकेशन करना हो हम डायनेमिक वेबसाइट पर कर सकते हैं, बट स्टैटिक वेबसाइट पर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट पे देखते हैं कि है क्या, फिर उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसके लिए चलना पड़ेगा हम नेक्स्ट स्लाइड पर, और नेक्स्ट स्लाइड पर चल के देखना पड़ेगा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, और फिर हम डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड आपका, नेक्स्ट स्लाइड पर आपका है एप्लीकेशन ऑफ अ वेबसाइट। स्टूडेंट्स आपके जो भी डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट होते हैं जो यूज होते हैं किस किस एरिया में, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब
फर्स्ट आपका एजुकेशनल वेबसाइट, सेकंड आपका है कॉमर्शियल वेबसाइट, थर्ड आपका है गवर्नमेंटल वेबसाइट एंड फोर्थ आपका एंटरटेनमेंट वेबसाइट। अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एजुकेशनल वेबसाइट, तो स्टूडेंट जैसा कि एज यू नो अबाउट एज यू नो ऑल्सो अबाउट की एजुकेशनल व्हाट इज एजुकेशनल वेबसाइट वेबसाइट एंड हाउ व्हाट इज द यूज ऑफ एजुकेशनल वेबसाइट। स्टूडेंट जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम एजुकेशनल वेबसाइट का क्या यूज होता है और कैसे होता है, कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको डिफरेंट डिफरेंट आपको इस वेबसाइट के थ्रू आपको नोट्स मिल जाते हैं, ई बुक्स मिल जाती हैं एंड आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सर्च करना हो तो आप वहां से जाकर के सर्च कर सकते हो, इमेजेस मिल जाती हैं, आपको वीडियोज मिल जाते हैं, इस साइट पे जाकर के डिफरेंट डिफरेंट आपको फैसिलिटी अवेलेबल होती है इन दिस वेबसाइट। एंड फिर अगर हम बात करते हैं कॉमर्शियल्स की, तो कॉमर्शियल में अगर आप देखोगे तो स्टूडेंट जैसे कि आपके जो बाजार जो आपके मार्केटिंग होती है मार्केटिंग लाइन, जैसे लाइक अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अलीबाबा हो गया एंड पेजेस हो गए, बहुत सारे होते हैं जो कि आपको कॉमर्शियल वेबसाइट होते हैं जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं एंड फिर जो भी लोग होते हैं उन्हें परचेज भी करते हैं। ठीक है, ये सब साइटें जो होती हैं जिससे हम बिजनेस पर्पज यूज करते हैं वो हमारा कॉमर्शियल वेबसाइट होता है। और अगर हम बात करते हैं अब गवर्नमेंटल वेबसाइट की, गवर्नमेंटल वेबसाइट कंट्री जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंट्री, इट्स आर्ट, कल्चर, हिस्टोरिकल साइट, इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट एंड न्यूज एक्सेट्रा। मीन्स आपका अगर गवर्नमेंट बात करते हैं तो गवर्नमेंटल वेबसाइट में जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, डेली के रिलेटेड न्यूज होती है कि क्या अपडेट हो रहा है कल्चरल के बारे में होता है एंड आपके डिफरेंट हिस्टोरिकल्स के बारे में, इकोनॉमिक क्या क्या हो रही है, कैसे अप डाउन हो रही है, वो सब की पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पर मिल जाती है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज एंटरटेनमेंट वेबसाइट। एंटरटेनमेंट वेबसाइट स्टूडेंट आप लोग जैसे जानते हो कि YouTube क्या है, आपका एक एंटरटेनमेंट वेबसाइट है आपका, जिससे कि आपको डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग मिलते हैं, वीडियोज मिलते हैं, मूवीज मिलती हैं एंड ऑन जो भी आप चाहते हो, वो आप ऑडियो वीडियो जो भी आप देखना चाहते हो वो आप उस पर देख सकते हो। तो ये जो वेबसाइट होती है आपकी एंटरटेनमेंट वेबसाइट होती है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है क्या उसके बारे में। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका है वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है स्टूडेंट, वी गेट द इंफॉर्मेशन, सॉरी द वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट दैट स्टोर्स वेब पेजेस एनी यूजर्स ऑफ द इंटरनेट। मीन्स वेब सर्वर क्या होता है कि जो कि कंप्यूटर से आपका इंटरनेट जो इंटरनेट पर आपको जो कंप्यूटर कनेक्ट होता है, जितने वेब पेजेस स्टोर होते हैं वो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं और कोई भी यूजर इंटरनेट पे इसे इजी वे में एक्सेप्ट कर सकता है और दुनिया में कहीं पर भी है। इस वेबसाइट को मीन्स आप वेब सर्वर के थ्रू अपने सिस्टम को कनेक्ट करके इंटरनेट पे और जो भी चीजें उन्हें एक्सेस करना हो वो आसानी से एक्सेस कर सकता है अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करके। अब वेब सर्वर मीन्स होता है कि एक ऐसा सर्वर मीन्स इंटरनेट जो सीक्रेट होती है। ठीक है, जैसे अगर कंपनी है आपका, अगर जो भी टेक्नोलॉजी को मतलब कि एक ऐसी कंपनी जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है उनका एक अपना सर्वर होता है। ठीक है, जिसे हम वेब सर्वर भी बोल सकते हो। आप चाहे जहां पर भी हो आप अपने सिस्टम को आपके उस इंटरनेट सर्वर से आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी पर्सन आसानी से उस सर्वर के थ्रू अपने सिस्टम को कनेक्ट कर सकता है इंटरनेट के थ्रू, तो वो हमारा क्या होता है आपका वेब सर्वर होता है। दिस सर्वर डिफर फ्रॉम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स इन मैनी वे। ये आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर से डिफरेंट होता है कई तरह से अलग अलग। दे हैव वेरी हाई प्रोसेसर स्पीड, गीगाबाइट ऑफ हार्ड डिस्क एक्सेट्रा। इसमें मतलब कि कई सारे जो स्पीड होती है प्रोसेसर की उस सर्वर में, जो पर्टिकुलर वेब सर्वर होता है बहुत ज्यादा स्पीड होती है कि बहुत तेजी के साथ ये वर्क करता है, उसमें प्रोसेसर स्पीड एंड हार्ड डिस्क भी आपकी हाई होती है, स्टोरेज भी मतलब कि आप आसानी से स्टोरेज भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें स्टोर होती है, वो सब आपका होता है। अगर अब बात करते हैं हम वेब क्लाइंट की, वेब क्लाइंट क्या होता है स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हो कि अगर हम सर्वर से जितने भी सारे सिस्टम कनेक्ट होते हैं, मान लीजिए आपका ये आपका मेन सिस्टम है, ये सर्वर है जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और आपके ये कई सारे सिस्टम क्या इसी सर्वर से डिफरेंट डिफरेंट वे में कनेक्ट हैं, ढेर सारे सिस्टम। ये जो सिस्टम होते हैं, जो भी डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम होते हैं जो कि आपके क्या है सर्वर से कनेक्ट हैं, ठीक है, इन सिस्टम को
हम क्लाइंट कहते हैं, जो कि वेब सर्वर देखते हैं। ये वेब सर्वर इसको हम बोलते हैं जो कि इंटरनेट फैसिलिटी यूज प्रोवाइड करता है, और जो कि इंटरनेट के थ्रू जितने भी सिस्टम कनेक्ट होते हैं उन्हें हम वेब क्लाइंट बोलते हैं। अब वेब क्लाइंट रिफर टू द वेब ब्राउजर इन द यूजर्स कंप्यूटर्स, मीन्स ये आपको वेब ब्राउजर को रिफर करता है जिसमें कि आपके डिफरेंट 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 यूजर्स कंप्यूटर होते हैं। इट मे ऑल्सो रिफर्स टू प्लगइन्स एंड हेल्पर एप्लीकेशन दैट इनहेंस द ब्राउजर टू सपोर्ट स्पेशल सर्विसेज फ्रॉम द वेबसाइट। मीन्स आपको ये स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करता है ब्राउजर की हेल्प से, जिससे कि आप आसानी से डिफरेंट डिफरेंट इस सर्वर के थ्रू अलग अलग जो है सिस्टम कनेक्ट होते हैं, इन्हीं सिस्टम को ही हम वेब क्लाइंट कहते हैं। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, वेब सर्वर एंड वेब क्लाइंट। एंड अगर हम वेब ब्राउजर की बात करते हैं स्टूडेंट, तो वेब ब्राउजर में क्या होता है, आपके डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर होते हैं जो कि आपको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आप डिफरेंट डिफरेंट आप एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे आप कह सकते हो कि आप उस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से डिफरेंट डिफरेंट आपको वेबसाइट प्रोवाइड करेंगे, जिसमें वेबसाइट में आपके डिफरेंट वीडियोज ऑडियोज सब आपको शो होते हैं। एक तरह से आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या तो प्लेटफॉर्म होता है जहां से आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पर जा करके आप आसानी से जो भी आप वेबसाइट ओपन करना चाहते हो आप कर सकते हो। पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करना हो तो आप यहाँ से इस तरह सर्च इंजन होता है आपका, बोल सकते नहीं पर एक तरह से आप यही सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, इसमें जाकर आप सर्च इंजन कर सकते हो, वेबसाइट को डेवलप ओपन कर सकते हो आप डिफरेंट डिफरेंट, ये सब आप वर्क कर सकते हो। फिर अब बात करेंगे हम नेक्स्ट आपका वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज आपकी देखिए यहाँ पे थ्री टाइप्स की है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अगर हम बात करेंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की स्टूडेंट, HTML जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो जब हम कोई भी वेब पेज क्रिएट करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि आप जो भी वेब पेज होता है वो एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, टेक्स्ट के बेस में होता है जो कि एक मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू ही वो क्रिएट किया जाता है, और वो आपकी मार्कअप लैंग्वेज कौन सी होती है, HTML होती है, जिसके थ्रू हम उसकी कोडिंग करते हैं इस पेज पर टेक्स्ट के फॉर्म में और फिर हम एक वेब पेज को जनरेट करते हैं। यह जो पेज होता है, जो ये लैंग्वेज होती है, आसानी से कोई भी यूजर सीख सकता है कि इसमें हम क्या करना चाहते हैं, कैसे हम वर्क करना चाहते हैं, कि कैसे इस लैंग्वेज जो भी हम डिजाइनिंग देना चाहते हैं कोई भी वेब पेज पे, अपने वेब पेज पे जो भी डिजाइनिंग आप देना चाहते हो वो इजी वे में इस लैंग्वेज के थ्रू आप दे सकते हो। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो स्टूडेंट्स अगर जैसे इसके अगर हम नाम को बताते हैं तो HTTP इज यूज एज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल टू ट्रांसपोर्ट टाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओवर द इंटरनेट। मीन्स आपका एक तरह से यह क्या है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है जो कि आपके हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर करने के लिए ही यूज किया जाता है। हाइपर टेक्स्ट टेक्स्ट मतलब जैसे अगर हम बात करते हैं कि जो एक टेक्स्ट होता है जो कि आपको हाईलाइट किया जाता है, जिसे हम कहते हैं एक लिंक शो करता है वो, ठीक है, तो उस टेक्स्ट पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो उससे कई सारे पेज आपके रिलेटेड जुड़े हुए होते हैं, उससे अलग वेबसाइट होती है जुड़ी हुई होती है, जैसे उस पर हम क्लिक करते हैं तो आपका वो वाला पेज वेब ओपन हो जाता है, ठीक है, तो तुरंत आपको ट्रांसफर कर देता है अनदर वेब पेज पर। बट ये आपका सिक्योर नहीं होता है, इसमें हम बात करेंगे कि इसमें आपके वायरसेस आने के चांसेस बहुत सारे होते हैं, टेस्ट जो कि मेंशन कर दिए जाते हैं हैकर्स के द्वारा, तो जैसे ही आप क्लिक करते हो तो अनदर वेबसाइट पे चले जाते हो, आपकी अनदर वेबसाइट ओपन होती है जिससे कि वायरस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं और हैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए इसी का एक सिक्योर वर्जन बनाया गया आपका HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है, इसमें इसको भी बनाया गया सेम, इसका भी काम वही होता है कि एक टेक्स्ट रहता है तो उसको हाइपर बना दिया जाता है, ठीक है, लिंक की तरह एक जैसे आप जाओगे पॉइंटर लेकर के वहां पे हैंड बन जाएगा, जैसे ही क्लिक करोगे अनदर आपकी पेजेस ओपन हो जाएंगे, तो इस तरह से ये क्या होता है आपका सिक्योर बनाया गया है इसको। ओके, तो स्टूडेंट आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि वेब सर्विसेज में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, HTML, एंड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल मीन्स HTTP, एंड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर मीन्स HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एज फॉर सिक्योर। ओके स्टूडेंट, अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे है क्या और उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं।
ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जितने भी टॉपिक्स अभी तक मैंने बताया है। अब चलते हैं हम, ठीक है? तो आज की क्लास आपकी ओवर यहीं पे करते हैं, और अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में और लेक्चर नंबर 3 पर इसी चैप्टर के। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।